हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ नहायत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो आज का हमारा टॉपिक भी वर्क परमिट पे है। नॉर्मली होता क्या है कि जो स्टूडेंट भी कैनेडा में आते हैं, किसी के पास 1 ईयर का स्टडी परमिट होता है, तो इसके बाद वो क्वालिफाई कर जाते हैं 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। और जिन लोगों के पास 2 ईयर का स्टडी परमिट होता है वो लेटर ऑन एलिजिबल हो जाते हैं 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। इस एक्सटेंशन को लेने के बाद फिर इन सब वर्क परमिट होल्डर्स को विद इन अ ईयर सर्टन आवर्स गेन करने होते हैं या उनको भी डेजिग्नेटेड जॉब टाइटल अर्न करना होता है, ताकि वो फिर नेक्स्ट स्टेप उनका होता है PR या PNP अप्लाई करना और फाइनली वो यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है COVID-19, इसके इफेक्ट्स हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी जॉब लॉस की, हर जगह पे कट ऑफ हो रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं वो शॉर्ट आवर्स में हैं। इसी तरह कनाडा में भी ये सब कुछ देखने को मिलता है, लोगों ने अपनी जॉब लॉस की, हर तरफ आपको हर कंपनी में छोटी और बड़ी में कट ऑफ नजर आ रहा है और जो लोग काम कर रहे हैं वो शॉर्ट आवर्स में हैं। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों को भी हुआ है जो वर्क परमिट होल्डर थे, वो अपने सर्टन आवर्स गेन नहीं कर पाए। अगर उनको कोई डेजिग्नेटेड जॉब टाइटल अर्न करना था तो वो नहीं कर पाए, इस सब के बाद वो PR या PNP के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, आर यू कुड से मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के जरिए ये सब वर्क परमिट होल्डर जो लोग हैं ये दोबारा से एक्सटेंशन ले सकते हैं। इनको दोबारा से 18 महीने की एक्सटेंशन दी जाएगी 30 जनवरी से लेके 27 जुलाई तक। जो लोग भी इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी वो एक्सटेंशन लेके वापस ट्रैक पे आके अपने आवर्स गेन करके PR या PNP अप्लाई करके फाइनली वो सेटल डाउन हो सकते हैं। अब ये तो एक गुड न्यूज, एक रिलीफ है उन सब लोगों के लिए जो फॉर सम रीजन वो अपने आवर्स गेन नहीं कर पाए और वो आगे नेक्स्ट उनका जो टास्क था PR या PNP उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो एक्सटेंशन लेके वापस ट्रैक पे आएंगे PR या PNP के लिए जो रिक्वायर्ड आवर्स या जो उनको डेजिग्नेटेड जॉब टाइटल अर्न करना है, करने के बाद वो क्वालिफाई करेंगे PR या PNP के लिए और फाइनली वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक्सटेंशन के पीछे गवर्नमेंट के भी कुछ मोटिव हो सकते हैं। जो मुझे 2 इम्पोर्टेंट मोटिव नजर आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप लोग उनसे एग्री भी करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मोटिव ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं वो यहाँ की इकोनॉमी में $21 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। दैट्स अ लॉट। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कंट्रीब्यूशन कम हो, इसलिए वो आप सब लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट मोटिव इसका ये है कि यहाँ पे जो ओल्ड लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी तादाद नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और जो यंग लोग हैं उनका नंबर डे बाय डे कम होता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कनाडा कभी भी नहीं चाहेगी कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वर्क परमिट होल्डर हैं, फॉर सम रीजन वो अपने जो उनको आवर्स चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए वो उन सबको दोबारा से मौका दे रहे हैं कि ताकि वो दोबारा से एक्सटेंशन लेके अपना वो टास्क कंप्लीट करते हुए वापस ट्रैक पे आके PR और PNP अप्लाई करके फाइनली वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए और हमेशा कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहें। इसलिए वो आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं। आज की ये वीडियो उन सब लोगों को हेल्प करेगी जो दोबारा से वर्क परमिट के लिए एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। इससे हटकर अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई सजेशन की जरूरत होती है या आपको कोई गाइडेंस की जरूरत होती है
तो आप हमारे से YouTube के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इट्स गोना बी अ गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु गोइंग टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। तो अपनी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।